और झारखंड में कोरोना से तो नहीं अलबत्ता सैकड़ों किडनी रोगी डायलिसिस के अभाव में मर जाएंगे। डायलिसिस वाले अस्पताल इन दिनों नकद लेकर रोगियों का डायलिसिस कर रहे हैं। देखिए अस्पताल का अमानवीय चेहरा इस रिपोर्ट में। अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर बैठे ये चार रोगी ऐसे हैं जिनका आज अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो ये मर भी सकते हैं। ये सारे रोगी सरकारी कर्मचारी या उनके रिश्तेदार हैं। ईएसआई के तहत इनका हेल्थ पॉइंट अस्पताल से अनुबंध है, लेकिन अस्पताल तकनीकी बहाना बनाकर डायलिसिस से इनकार कर रहा है। तो वहाँ एप्लीकेशन मांगा गया। क्या बोले? बोले कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए आप लोग। दिया? जी नहीं, बोले कि दे देंगे अभी जाकर। कैसा तबीयत खराब लग रहा है आपका? क्या लग रहा है? बहुत कमजोरी लग रहा है एकदम बहुत। आज डायलिसिस नहीं होगा तो हम लोग फिर कैसे रहेंगे? आज मेरा डायलिसिस बहुत जरूरी है। पूरा पैर और सब देखिए सब फूला हुआ है। मर जाएगा सीधे तो मर जाएगा आदमी, क्या करेगा? साथ बोल दे, अगर पूरा बंद हो जाता हॉस्पिटल तो हम मतलब सब्र कर ले, पर कितना दिन? एक दिन दो दिन का बात नहीं है, रोज का बात। सारा जिंदगी हम लोग, किसी का तीन बार होता है, किसी का दो बार होता है, तो एक दिन रुक सकते हैं। ये देखिए कल मतलब कल ही इनका होना जरूरी था, पर कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। इनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको हफ्ते में दो बार डायलिसिस की जरूरत है। देखिए अगर इनका डायलिसिस नहीं हुआ तो शायद इनके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए। मेरा तो तबीयत ऐसा है कि पानी अब डेली अगर डायलिसिस ना हो तो पानी बॉडी में भर जाता है, तो पानी भरने की वजह से क्या सांस फूलने की समस्या, और उसके बाद फिर है कि आप उसके बाद ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी आखिर में वो मृत्यु है। तो इससे अच्छा अगर जब डायलिसिस ना मिले और सरकार इतनी वादा करती है कि नहीं हम हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, और अस्पताल में आने के बाद, और ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये सरकार की बनाई हुई जो है, ये मैंने अप्रूवल करा के ये ला के दिया इनको, इसको देखने के बाद ये सीधा ही नेगलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आपका डायलिसिस नहीं हम कर पाएंगे। जब अस्पताल ने मरीजों की डायलिसिस से इनकार किया तो ये लोग इसी हालत में चलकर डीसी के पास गए। वहाँ इनसे आवेदन मांगा गया। इन हालात में आवेदन नहीं, इनको तुरंत डायलिसिस की जरूरत है। अस्पताल का पक्ष ये है कि रॉ मटेरियल की कमी की वजह से इन मरीजों को इंतजार कराया जा रहा है। क्या बात है, डायलिसिस क्यों नहीं कर रहे हैं? सर अभी जो है हम लोग का डायलिसिस में कुछ डायलिसिस का जो सामान होता है उसमें शॉर्टेज है, तो हम लोग सर उसका अरेंजमेंट जितना जल्दी हो सके कर रहे हैं। वो अरेंजमेंट होने से इन लोगों को फ़ोन करके जितना जल्दी हो बुला के फिर हम लोग डायलिसिस शुरू करते हैं। नहीं, उनका कहना यह है कि जो कैश पेशेंट है उनको नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है कैश, और ये ऐसा ही है कुछ कुछ बात नहीं है, हम लोग करेंगे तो सभी को कराएंगे सर। अच्छा, है ना, उनका नंबर रख लिया है? जी जी, उनका नंबर सब रख रहे हैं और उन लोगों को फोन करके बुला के फिर जो है जितना जल्दी हो सके शुरू करते हैं। इन हालात में सरकारी डॉक्टरों ने सेवा और मानवता की मिसाल कायम कर दी है, लेकिन ये निजी अस्पताल क्लिनिक और हॉस्पिटल इन हालात का भी फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, वो तड़प रहे हैं और उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन मरीजों की सुध लेनी चाहिए। कैमरामैन नवल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। तो आपको तस्वीरें हमने दिखाई, एक खास रिपोर्ट दिखाया कि जिस तरह से डॉक्टर्स को सामने आना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोग डॉक्टर्स कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ निजी अस्पतालों की मनमानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो चेहरा दिखा रहे हैं जहां पर इमीडिएटली उन्हें तुरंत जो सहायता करनी चाहिए, जो इलाज देने चाहिए, उससे कहीं ना कहीं कतराते दिखे हैं और अलग अलग दलीलें देते अस्पताल कर्मी नजर आए हैं। लेकिन जरूरत है कि ऐसे में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर डायलिसिस के पेशेंट पहुंच रहे हैं उनको उनका तुरंत इलाज किया जाए, लेकिन यहां पर तो ईएसआई के तहत भी डायलिसिस करने से इनकार किया जा रहा है। और फोन पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं संवाददाता शहनवाज। शहनवाज, लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, एक तरफ डॉक्टर्स को इसके ऐसे मरीजों की मदद करनी है, तुरंत इलाज करना है, लेकिन निजी अस्पतालों में इस तरह से मनमानी की जा रही है। लगातार वहां पर मरीज पहुंचे हुए हैं डायलिसिस के, लेकिन उन्हें सही समय पर इलाज उनका या फिर डायलिसिस नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है, क्या दलीलें दी जा रही है अस्पताल कर्मियों की तरफ से? देखिए, आज सुबह जब डायलिसिस का टाइम था इनके, इसमें से कुछ ऐसे मरीज हैं जिनमें जिनको हफ्ते में दो दिन डायलिसिस चाहिए, अब इनकी किडनी जो है वो जवाब दे रही है, तो ये अनुबंधित हैं, ये हेल्थ पॉइंट अस्पताल से एग्रीमेंट है, ईएसआई यानी सरकारी कर्मचारी के रिश्तेदार हैं या खुद सरकारी कर्मचारी हैं ये लोग,
तो इनको सरकार ने एसआई कार्ड बना के दिया है। तो ये अस्पताल पहुंचे, अस्पताल प्रबंधन ने गेट पर ही इनको रोक दिया और कहा कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपका डायलिसिस नहीं हो सकेगा आज, तो कब होगा, तो आप घर जाइए, हम आपको घर पे खबर करेंगे। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया है, बहुत लोग जब लौट करके आए, ये सारे खुद जो तस्वीरों में दिख रहे हैं ये खुद पेशेंट है, ये कोई अटेंडेंट नहीं है। ये जब बेचारे परेशान हुए तो वहां से वो डीसी ऑफिस गए, डीसी ऑफिस में इनसे आवेदन मांगा गया, इनके पास न कागज न कलम, इन्होंने कहा कि हम आवेदन नहीं, हमें डायलिसिस चाहिए अर्जेंट, आप एक फोन कीजिए, उनको सख्त आदेश दीजिए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। ये फिर वहां से वापस आए, कहीं से न्यूज 11 का नंबर मिला तो फोन करके हमें खबर किया, तो हम वहां पर पहुंचे, उनका दर्द लिया, हालचाल जाना जी, अंदर गए, अंदर जाके काफी देर इंतजार किया, बहुत देर के बाद एक तरफ बिल्कुल ये चारा बिल्कुल सही नहीं है डॉक्टर्स का। अगर जिस तरह से ऐसे समय में उन्हें मदद करना चाहिए, अगर डॉक्टर्स इस तरह से अपने काम को लेकर अगर पीछे हो रहे हैं, अपने दायित्वों को लेकर पीछे हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज़।